अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू अर्बन किचन गार्डनिंग। तो दोस्तों, आज हम आए हैं नर्सरी पर, जहां का हम विज़िट करेंगे। और आप मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है और बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो दोस्तों, ये लाहौर की, मैं समझता हूं, एक बेस्ट नर्सरी है, जहाँ पर हर चीज़ अवेलेबल है और इनके रेट्स भी बिल्कुल मुनासिब है। जी हाँ दोस्तों, और इसके अलावा दूसरी बात है, इनका सामान भी क्वालिटी वाला सामान होता है। अब तक जितनी भी मैंने यहाँ से बाइंग की है, मेरी कामयाबी से ग्रो कर रहे हैं प्लांट्स। और इसके अलावा इनके पास हर किस्म की वैरायटी भी मौजूद है। तो मैं आपको भी सजेस्ट करूँगा कि आप भी अपने गार्डन की इस नर्सरी से बाइंग करें। तो दोस्तों, आइए मेरे साथ, हम इस नर्सरी का पूरा विज़िट करते हैं। तो बिल्कुल, इन्होंने बिल्कुल प्यारे तरीके से प्लांट्स को ग्रो किया है। और बिल्कुल, आप देख सकते हैं, ये फ्लावरिंग प्लांट्स हैं। इसके साथ हम आगे चल रहे हैं। तो ये बिल्कुल एक लाइन में इन्होंने पौधों को अच्छे तरीके से रखा है, ताकि एक अच्छा डिस्प्ले बने। और इसके अलावा दोस्तों, इनके पास फ्लावरिंग प्लांट्स भी हैं, इनके पास हर्ब्स भी हैं, और इसके अलावा वेजिटेबल के प्लांट्स भी हैं, जो कि बिल्कुल मुनासिब रेट पर हैं। तो दोस्तों, मैंने अभी इनसे चंद दिन पहले मनी प्लांट का पौधा ख़रीदा था, जो कि मेरा बिल्कुल अच्छे से ग्रो कर रहा है। तो अब मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी आइंदा जो भी मैं इनसे बाइंग करूँगा, वो भी मेरी कामयाबी से ग्रो होगी। तो दोस्तों, ये आप बिल्कुल एक व्यू देख सकते हैं इनकी नर्सरी का, कितना खूबसूरत और शानदार है। तो मैं तो अपने गार्डन की यहीं से बाइंग करता हूँ, और मेरा गार्डन में की तकरीबन ज़्यादातर चीज़ें यहीं से जाती हैं। और इनसे मैं मिट्टी का ख़रीदता हूँ, जो कि लूम सॉइल है, जो कि ये दरिया की मिट्टी बेचते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये दरिया रावी की मिट्टी होती है इनके पास, तो मैं वही ख़रीदता हूँ, और वो उसमें मेरे प्लांट्स बिल्कुल शानदार ग्रो करते हैं। और इसके अलावा इनसे कंपोस्ट भी मिल जाती है, पत्तों की खाद भी मिल जाती है, और दूसरी चीज़ें जो कि मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊँगा। इनके पास टूल्स भी अवेलेबल है, और इनके पास सीड्स भी अवेलेबल हैं। तो दोस्तों, इसकी लोकेशन की बात कर ले, ये बिल्कुल जेल रोड पर, जफर अली रोड के मुकाम पर है। तो उस गली के अंदर ये बिल्कुल फ्रंट पे ही, चंद कदमों पे ही नर्सरी आ जाती है। जी हाँ दोस्तों, तो इन्होंने अपनी नर्सरी को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया हुआ है। जी दोस्तों, तो उसके अलावा इनसे मैंने भी थोड़े अरसे पहले मनी प्लांट भी ख़रीदा है, जो कि बिल्कुल अच्छे से ग्रो कर रहा है। तो दोस्तों, बिल्कुल आप देख सकते हैं, ये दरिया की मिट्टी है, और इसके साथ ये पत्तों की कंपोस्ट है। उसके अलावा दोस्तों, इनके पास मिट्टी के पॉट्स भी अवेलेबल होते हैं। तो दोस्तों, मैं तो बिल्कुल ये मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि मैं अपने गार्डन की यहाँ से बाइंग करता हूँ। तो मैं बिल्कुल आपको भी सजेस्ट करूँगा कि आप भी अपने गार्डनिंग की यहाँ से चीज़ें खरीद सकते हैं। और दोस्तों, अब हम आगे चलते चले जा रहे हैं, और ये कितने खूबसूरत प्लांट्स हैं, जो कि इन्होंने बिल्कुल अच्छे तरीके से रखे हुए हैं। और दोस्तों, इनके पास बोनसाई भी अवेलेबल है, जिसकी कीमत इन्होंने मुझे बताई थी 10 से 15 हज़ार। तो इंशाल्लाह मैं फ्यूचर में इनसे बाइंग मज़ीद करूँगा। और ये आप देख सकते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स। और एक और चीज़ वो देखें, उन्होंने प्लांट के पॉट्स को लटकाया हुआ है। जी हाँ दोस्तों, ये चीज़ तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, और ये मैं अपने गार्डन में, ताकि हम वर्टिकल कर सकें। तो इससे ना सिर्फ हमारी स्पेस बचे, बल्कि एक्टिविटी भी इंक्रीज़ होगी। और बिल्कुल, ये आप देख सकते हैं, मनी प्लांट्स के पौधे जो इतने बड़े बड़े पत्ते हो चुके हैं, और उसकी वजह, बेसिक वजह, फ्रेंड्स, अवेलेबिलिटी पूरी हो रही है। जी हाँ दोस्तों, तो यही मैं आपको अमूमन बताता हूँ कि आप भी अपने गार्डन के प्लांट्स को अगर न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी को इंश्योर कर लेंगे, तो आपके प्लांट्स ग्रीन और लश होंगे, और जिससे आपकी गार्डन की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होगी, और आपके वेजिटेबल्स भी ग्रो होगी, और बस कमाल का आपका गार्डन हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, तो यही मैं आपके साथ बातें शेयर करता रहता हूँ अपने चैनल पे। तो अगर आपने मेरे चैनल अर्बन किचन गार्डनिंग को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस बनाता रहूँ और ये सिलसिला चलता रहे। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपका गार्डन भी ग्रीन और लश हो जाए।
तो दोस्तों इसके लिए आपको मेरी वीडियो मुकम्मल देखनी होगी ताकि आपको पूरी पूरी इन्फॉर्मेशन मिल सके। और दोस्तों इसके अलावा मैं अपने चैनल पर काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस गार्डनिंग के मतलब डालता रहता हूँ। अगर आप इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पर मुख्तलिफ वीडियोस देख सकते हैं जो कि मुख्तलिफ टॉपिक्स पर मैं अक्सर बनाता रहता हूँ। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी। तो दोस्तों अब आज के लिए बस इतना ही। मैं आइंदा आपके लिए मज़ीद इन्फॉर्मेशन और अच्छी अच्छी वीडियोस बनाता रहूँगा।